तो मेरा नाम है रवि, आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर का सबसे अच्छा कंप्यूटर रिपेयर सर्विस सेंटर सूरज कंप्यूटर। आज हमारे पास ये टोशिबा का लैपटॉप आया हुआ है जिसका मॉडल है टोशिबा सैटेलाइट C650। इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि इसकी बॉडी जो है वो टूट गई है। अभी मैं इसको ओपन करता हूँ और आप देखिए कि यहाँ से बॉडी ओपन हो गई है। अभी मैं आपको ऐसे दिखा देता हूँ कि जब मैंने ओपन किया तो ये बॉडी ऊपर हो गई है और इस साइड से भी हमारा बॉडी ऊपर हो रहा है। ये हमारा बॉडी ऊपर हो रहा है। तो इस कंडीशन में हमारा होता क्या है कि हमारा जो हिंजेस होता है, जो हमारा स्क्रीन को खड़ा रखता है, वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है तो हमारा वो बॉडी को तोड़ देता है और फिर वो हमारा इस तरह इस कंडीशन में आ जाता है लैपटॉप कि हमारा बॉडी जो है वो ऊपर होने लगता है जब भी हम अपनी स्क्रीन को ओपन और क्लोज करते हैं। तो उस कंडीशन में हमारा ये हिंजेस इधर से ऊपर होने लगता है। तो अगर आपके भी लैपटॉप में ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो सूरज कंप्यूटर से संपर्क कर सकते हैं। सूरज कंप्यूटर दिल्ली एनसीआर का सबसे अच्छा कंप्यूटर रिपेयर सर्विस सेंटर है जो कि हर मॉडल का सारे लैपटॉप का रिपेयर करता है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप दिखा सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और हमारे वीडियोस को शेयर करें। अभी हम इसको ओपन करते हैं और इसको रिपेयर करते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये रिपेयर कैसे किया जाता है। तो चलिए खोलते हैं। तो इसको बंद करते हैं और खोलने जब भी हम इसको खोलते हैं तो सबसे पहला हमारा जो काम होता है वो बैटरी हटाना होता है। तो जब भी हम किसी भी लैपटॉप को ओपन करते हैं तो सबसे हमारा पहला जो काम है वो बैटरी ही हटाना है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हम बैटरी नहीं हटाते तो खोलने में कोई हमारा इधर से उधर टच हो जाता है जिसकी वजह से हमारा शॉर्टिंग भी हो जाता है। तो सबसे पहला काम हमारा यही होना चाहिए लैपटॉप खोलने से पहले कि हम बैटरी को हट रिमूव कर दें, उसके बाद ही हम आगे का काम करें। तो अभी हम इसको और खोलते हैं। ये हमारा रैम का कवर है जहाँ पे ये हटाने के बाद हमें रैम मिल जाएगा। तो ये कवर हमने यहाँ से हटा दिया तो हमारा आप देख सकते हैं यहाँ पे रैम लगा हुआ है, ये हार्ड डिस्क लगा हुआ है। तो हम इनको भी रिमूव कर देते हैं। अभी ये हमारा हार्ड डिस्क पे स्क्रू लगा हुआ है तो इस स्क्रू को खोलते हैं और फिर इस हार्ड डिस्क को यहाँ से बाहर निकाल देते हैं। अभी इसमें देख सकते हैं कि हार्ड ड्राइव लगा हुआ है जो कि 500 GB का है हिटैची का। अब तो हमारा हार्ड ड्राइव चलता नहीं है, अब तो SSD चलता है, बट इसमें चल रहा है तो चलने देते हैं। और ये हमारा इसमें रैम लगा हुआ है, इसमें 2 RAM लगा हुआ है, इसमें DDR3 का रैम लगा हुआ है 2 GB का। तो एक रैम ये है और दूसरा रैम हमारा ये है, दोनों 2 GB का रैम है। तो अब बाकी सर और भी खोलते हैं हम इसको। ये स्क्रू है हमारा DVD राइटर का, तो ये स्क्रू हटाने के बाद हमारा DVD राइटर बाहर आ सकता है। तो ये स्क्रू मैंने खोल दिया और यहाँ से इसको इधर करेंगे तो हमारा DVD राइटर जो है ये बाहर आ जाएगा। उसके बाद हम बाकी इसमें जो स्क्रू लगे हैं वो सारा खोल देंगे। तो अभी हमारा ये बैक साइड का सारा स्क्रू ओपन हो गया है। अब हम इसको आराम से ओपन करते हैं और उसके बाद फिर इसको और खोलते हैं। तो ये हमारा कीबोर्ड है, स्क्रू खोलने के बाद हम कीबोर्ड हटाएंगे। तो यहाँ से हमारा इसका लॉक होता है, ये लॉक हटेगा उसके बाद फिर हमारा कीबोर्ड निकलेगा यहाँ से। तो अभी यहाँ पे हमारा कीबोर्ड का 3-4 स्क्रू लगा होता है, वो खोल लेते हैं। इसमें 2 स्क्रू लगे हुए हैं तो हमने दोनों स्क्रू खोल दिया और उसके बाद हम कीबोर्ड को इस तरह से यहाँ से बाहर निकाल देंगे। ये हमारा कीबोर्ड का कनेक्टर है तो ये थोड़ा सा स्लाइड करेंगे तो हमारा कीबोर्ड का ये कनेक्टर के साथ पूरा बाहर आ गया। उसके बाद हमारा ये वाईफाई कार्ड है, वाईफाई कार्ड के 2 केबल लगे हुए हैं, इनको डिस्कनेक्ट करेंगे और हमारा फिर वाईफाई कार्ड भी बाहर आ जाएगा। ये हमारा वाईफाई कार्ड है। उसके बाद इसका यहाँ पे 4 स्क्रू लगे हुए हैं, उनको भी खोल लेते हैं। केबल लगा हुआ है मदरबोर्ड में, हम इसको बाहर निकाल देते हैं ताकि हमारा ये निकालने में प्रॉब्लम ना करें। उसके बाद ये स्पीकर का कनेक्टर है, इसको भी हम रिमूव कर देते हैं और फिर इसको हम अलग कर देंगे इससे। ये हमारा टच पैड है जो कि स्क्रू से अटैच होता है, तो हम स्क्रू से निकालने के बाद इसको यहाँ से ऐसे निकाल सकते हैं। हमारा ये निकल चुका है, एक 2 कनेक्टर और भी लगे हैं तो वो मैं निकाल देता हूँ। उसके बाद ये हमारा टच पैड पूरा अलग हो गया है। ये इसका हिंजेस है जो ये इसका नक्का बोलते हैं, इसे नक्का, इसमें बॉडी में टाइट होता है तो ये चीज़ हमारा टूट गया है। तो इसी वजह से हमारा ये पूरा जब भी हम ओपन करते थे तो बाहर आ जाता था। इधर से भी टूटा हुआ है बट इधर से कम टूटा हुआ है, तो इधर से हमारा भी पूरी तरह से निकला नहीं है। तो हम सारा इसको अलग कर लेते हैं। जी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे नक्के लगे होते हैं टच पैड का, तो ये भी टूट गए और ये स्क्रू के साथ ही पूरा इसी में फिक्स हो गया जो कि स्क्रू के साथ खुलना चाहिए।
तो इसको भी रिपेयर करेंगे, और यहाँ पे हमारा जो हिंजेस का भी टूट गया है इसको भी रिपेयर करेंगे। अगर आप ऐसे यूज करते रहेंगे तो हमारा जो स्क्रीन है इस पर भी डैमेज हो सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रेशर पड़ने से हमारी स्क्रीन पे लाइन आ जाती है, और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा स्क्रीन ही पूरा क्रैक हो जाता है, तो उस कंडीशन में हमारा स्क्रीन ही चेंज करना पड़ता है, तो और कोई ऑप्शन नहीं होता। तो बेटर है अगर आपका भी ऐसा लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम आता है तो ऐसे ही यूज ना करें, उसे आप रिपेयर करा लें तो ही यूज करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो आपका स्क्रीन पे भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये हमारा केबल है जो मदरबोर्ड से स्क्रीन पे गया हुआ है, हम इसको रिमूव करते हैं। ये ऐसे रिमूव हो जाता है, ये हमारा केबल रिमूव हो गया, और ये हमारा वाईफाई का केबल है जो हमारा स्क्रीन की साइड से आ रहा है स्क्रीन के वजह से। अब आप देख सकते हैं कि हम इस लैपटॉप की बॉडी को रिपेयर कर रहे हैं। यह काम करने के लिए आपको लैपटॉप की बॉडी रिपेयर करने का अच्छा खासा एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि यह काम बहुत ही सावधानी से करना पड़ता है। अगर आप स्क्रू को हल्का भी उधर उधर कर दोगे तो आपके लैपटॉप की बॉडी सही से फिट नहीं होगी, और लैपटॉप के हिंज का इशू भी फिक्स नहीं होगा। हमारे टेक्नीशियन इस काम को करने में एक्सपर्ट हैं, और हम लैपटॉप को इस तरह से फिक्स कर देते हैं कि आपको यह कभी महसूस ही नहीं होगा कि आपका लैपटॉप कभी टूटा भी था। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इस तरह के कंटेंट हम आपके लिए बनाते रहते हैं। और अगर आपके लैपटॉप में भी इस तरह का कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। इस वीडियो को देखकर आपको लग रहा होगा कि इस तरह का अगर कोई इशू आपके लैपटॉप में आ रहा है तो आप भी उसको फिक्स कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं कि इसको कितनी सावधानी के साथ में किया जा रहा है। हिंज को फिक्स करने के बाद इसमें मदरबोर्ड को लगाया जा रहा है। अब हम इसको पैक कर रहे हैं, मदरबोर्ड वगैरह ये सारी चीज़ें दोबारा से पूरा खोलना पड़ता है, तो सारी चीज़ें दोबारा कनेक्ट करनी पड़ती है। कि मैंने इसको पूरी तरह से पैक कर दिया है, और मैं इसको अगर अब ओपन और क्लोज करूंगा तो ना ही मेरा इस साइड से कहीं कुछ ओपन होगा और ना ही मेरा इस साइड से कहीं कुछ ओपन होगा। तो आप देख सकते हैं कि लैपटॉप जो है हमारा पूरी तरह से रिपेयर हो गया है, और मैंने इसको बैक साइड से पूरा पैक कर दिया, पूरा कीबोर्ड लगा दिया है और सारी स्क्रू लगा दिए हैं। तो अगर आपके भी लैपटॉप में ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप सूरज कंप्यूटर से जरूर संपर्क करें। सूरज कंप्यूटर सारी प्रॉब्लम्स को किसी भी लैपटॉप में हो सब कुछ रिपेयर करता है।